अभी यहाँ पे हमने कुछ नया चीज नहीं सीखा है, लेकिन हमने यही सीखा है कि अगर कोई एक 10-15 इंस्ट्रक्शन हमने दी हैं तो उसको हम अलग से एक मॉड्यूल बना के रख सकते हैं क्या, और हम उसको डम्बो कह सकते हैं कि भाई हमको ये 15 इंस्ट्रक्शन बार बार नहीं लिखना हमारे प्रोग्राम में, जब भी हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे वहां जाके वो 15 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके आ जाओ। इसके लिए जो फंक्शन जो है वो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा था, ये फिर से रिपीट किया था, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ डैश इज इक्वल टू 2x+b। ये तो जो लिखा है फॉर्मूला लिखा है हमने फंक्शन का, लेकिन कंप्यूटेशनल टर्म्स में हम इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट या इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम मान लो अलग कोड लिखना चाहते हैं, क्योंकि क्या अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हो सकता है कोई दूसरा अबरका डबरका इक्वेशन हो, हर बार हम पूरा का पूरा प्रोग्राम क्यों चेंज करें। तो फंक्शन इवैल्यूएट करने के लिए मान लीजिए हमने कोई एक अलग मॉड्यूल या ब्लॉक लिख दिया कि जो भी फंक्शन है उसको कैलकुलेट कर दिया, जो भी डेरिवेटिव है उसको कैलकुलेट कर दिया, और जो मेन प्रोग्राम है जो हमारा रूट फाइंडिंग प्रोग्राम है उसमें हम हर बार कोई एक वैल्यू लेके उस ब्लॉक में जाएंगे, भाई फंक्शन की वैल्यू लेके आओ, दूसरी बार वो वैल्यू लेके जाएंगे भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू लेके आओ। तो फंक्शन जो हम लिखेंगे इस तरह से प्रोग्राम, वो पढ़ने में और समझने में आसानी होगी, यही खाली मकसद। आपको फंक्शन या ऐसे अलग से मॉड्यूल लिखने की जरूरत है, कंपलसरी नहीं है, प्रोग्राम उसके बगैर भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोग्राम कॉम्पैक्ट हो जाता है। और ऐसे समय में जबकि आपको वही फंक्शन बार बार अलग अलग जगह एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में, तो हर बार आप 10-15 लाइन इंस्ट्रक्शन की लिखते रहें इसमें कोई मतलब नहीं, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है प्रोग्राम। तो ये देखिए जैसे ये है, ये मैंने लिखा फ्लोट माई फंक्शन सो एंड सो, फ्लोट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू ए स्टार एक्स प्लस बी स्टार एक्स प्लस सी, फ्लोट माई डेरिवेटिव फ्लोट ए फ्लोट बी फ्लोट एक्स फ्लोट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू दिस। अब आपको इन लाइनों का मतलब थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी तक अपन इंट मेन लिखते थे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, लेकिन वो मेन भी फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डम्बो कॉल करता है, ये जो फंक्शन है ये हमने लिखे हैं हम कॉल करेंगे, तो इनमें जो ये अंदर लिखे इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो जब भी मैं इस फंक्शन के पास जाऊंगा तो ए बी सी और एक्स की जो वैल्यू है वो मैं लेके जाऊंगा इसमें, और जब भी यहां से बाहर निकलूंगा तो क्या लेके बाहर आऊंगा, ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू लेके बाहर। तो फंक्शन का मतलब ये है कि कुछ कोड लिखा है 10-15-20 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखा है, उस ब्लॉक में जाने से पहले मैं कुछ वैल्यूज अपने साथ लेके जाऊंगा, कौन सी वैल्यूज होंगी जो पैरामीटर्स में लिखी है, वो फिर वो फंक्शन जो भी कैलकुलेशन करना है करेगा, और जब मेरे पास वापस वो भेजेगा तो एक वैल्यू भेजेगा वैल्यू, और उसको बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। अब आपको समझेगा वो रिटर्न जीरो अपन लिखते हैं मेन प्रोग्राम में क्यों, वो वैल्यू जीरो किसको रिटर्न कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मेरा काम हो गया। ये वैल्यू ये फंक्शन किसको रिटर्न करेगा, मेरे प्रोग्राम को रिटर्न करेगा जो जो इसको कॉल करेगा। तो इस तरह से हमने अगर दो फंक्शन लिख दिए तो हमारा जो प्रोग्राम है काफी सीधा हो जाता। तो ये मैंने कुछ रूल बताए थे किस तरह से फंक्शन लिखना है स्टेटमेंट, सिंपल है ये तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद में जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो उसमें ऐसा समझूंगा कि हर फंक्शन के लिए मेरे पास एक असिस्टेंट नंबर है, अलग से वो कैलकुलेट कर रहा है, तो असिस्टेंट नंबर भी मतलब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, तो उसमें भी उसके डिक्लेरेशन होंगे, उसके वेरिएबल के लिए अलग से उसके पास दराज होंगे, वो अपने दराजों का यूज नहीं करेगा। फंक्शन यूज कैसे करेंगे हम, वो फंक्शन को फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ये देखिए जैसे यहां यूज किया, ये फ्लोट एक्स ए बी सी रूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी दे दिए हमने, एक्स की वैल्यू कोई स्टार्ट हो गई इनिशियल गेस, और अभी यहां हम लिख रहे हैं देखिए, ये इटरेशन कर दिया 10 बार करो, क्या करो, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स नई वैल्यू एक्स निकालो, नई वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव, जैसे अपन न्यूटन रैफसन से निकाला। अब यहां पे पूरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखने की जगह मैंने लिख दिया माई फंक्शन ए बी सी एक्स डिवाइडेड बाय माई डेरिवेटिव ए बी सी। अब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसे a बाय बी होता ना उसी तरीके का, a बाय बी अगर लिखते तो a की वैल्यू डायरेक्टली वो दराज में से ले लेता, यहाँ a नाम का दराज नहीं है, यहाँ माय फंक्शन, उसको पता है माय फंक्शन नाम का दराज नहीं है, माय फंक्शन नाम का एक असिस्टेंट डम्बो बैठा है वहां, तो उस डम्बो के पास में आज की तारीख में a b c और x की जो वैल्यूज है वो लेके जाऊंगा उसके पास, भाई तुम करो जो करना, उसके बाद मुझे एक वैल्यू दो, वो जो रिटर्न जो वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू आके यहां बैठ जाएगी। तो उसके बाद ये C++ प्रोग्राम इस असिस्टेंट नंबर को इन्वोक करेगा, उस टाइम वो ए बी और एक्स की वैल्यू लेके जाएगा और रिटर्न वैल्यू लेके आएगा, और जो भी दो वैल्यूज रिटर्न होंगी उनका डिवीजन करके
एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेगा, ये एक्स की नई वैल्यू बन जाएगी, और इस तरह से इटरेशन कर। तो इसका फायदा क्या है, कर ये प्रोग्राम वही रहा है जो पहले हमारा प्रोग्राम करता था, लेकिन ये प्रोग्राम बड़े अच्छी तरह से मॉड्यूलरली लिख दिया गया। अब इसका फायदा ये है कि मेरा मेन प्रोग्राम यही रहेगा, भले ही मेरा फंक्शन चेंज हो जाए, तो दूसरा कोई फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कॉन्स्टेंट अलग ही है, तो भी अपना वही फंक्शन वहां पे चेंज कर सकता हूं मैं, मुझे मेन प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत। ये इन्वोकेशन के रूल्स दिए हुए हैं, किस तरह से इन्वोक होता है, और जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा, सॉरी, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैंने लैब में भी पूछा था कि कैसे किया जाए। अगर अगर क्यूबिक रूट है तो क्यूबिक रूट से एक रूट निकाल दो तो बचेगा क्या, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के अलग से ये बना दो। असल में इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यू कैन गो ऑन लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट वॉज नॉट ए क्यूबिक, सपोज इट वॉज nth डिग्री इक्वेशन, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन, तो इसमें तो ये सवाल आपका जो और जटिल हो जाता है कि सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन का एक रूट निकाल दिया। जनरली फिफ्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर इज बेटर, क्योंकि ऑड ऑर्डर होगा ना तो कम से कम एक रियल रूट गारंटीड होगा, तो इस प्रोसीजर से आपको रियल रूट मिल जाएगा। अगर फोर्थ ऑर्डर या एट्थ ऑर्डर इक्वेशन में सभी साले कॉम्प्लेक्स रूट हुए तो हमारे न्यूटन राफ्सन की बारह बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट निकालने का प्रावधान नहीं है आज के हमारे इटरेशन, रियल रूट है ही नहीं, उसको तो कहां मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है, आप आगे जाके न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम का कोर्स करेंगे, उसमें आप ये सब चीजें सीखेंगे। यहां पे अपने को क्या सीखना है कि कोई भी अगर इस तरह का फंक्शन डेरिवेटिव दिया है तो उसको कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन में किस तरह कन्वर्ट करें। व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट दे आर क्वेश्चंस अबाउट मैथमेटिक्स, दे आर नॉट क्वेश्चंस अबाउट प्रोग्रामिंग। सो दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन दिस कोर्स। लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, वो सवाल पकड़ के रखे आप, और जब आप आगे मैथ्स पढ़े, आपके डिपार्टमेंट में न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े, उनको ये सवाल पूछे कि भाई हमने प्रोग्रामिंग में तो ये सीखा था, लेकिन अगर ये हो गया तो क्या करेंगे। और ये आपको रुकने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ अच्छी किताबें हैं अपने लाइब्रेरी में, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की किताब ले लें, आप पढ़ ले, अपने आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं। एकलव्य कैसे सीखा था बांध चलाना, किसी ने बताया नहीं था, प्रैक्टिस कर करके सीखा, यहाँ तो लाइब्रेरी है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इस सवाल का जवाब अपन इस कोर्स में नहीं देंगे, ये और कोर्स होंगे या और आप पढ़े उसके। लेकिन ऐसे सवाल जरूर पूछा कीजिए, क्योंकि ये जो डाउट्स हैं यही अपने को सिखाते हैं काफी चीजें।